की ज्यादा बेस्ट और अच्छी डेमोक्रेसी है? ऑब्वियसली इंडिया। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो इंडिया, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कंट्रोल हुकूमत खुद कर रही है, यहाँ पे हम खुद नहीं कर रहे। ज्यादा बेटर है कि इंडिया? डेफिनेटली इंडिया की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान जो हमारे अंदर जो एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वहाँ से कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। मैं कहूँगा कोलैप्स नहीं था, क्योंकि आफ्टर द कायदे आज़म जो हमारे पास लीडरशिप आई वो पॉलिटिकली इलेक्टेड एलीट नहीं थे, वो हमारे थे ब्यूरोक्रेट। एमन मुझे ये बताया आप करती क्या है? मैं स्टडी करती हूँ, मैं बीएस लिंग्विस्टिक्स कर रही हूँ यूएमटी से। अच्छा, मुझे ये बताओ डेमोक्रेसी होती क्या है? लेकिन सर डेमोक्रेसी को मैं थोड़ा इलाबोरेट करूँगा। डेमोक्रेसी इसको उर्दू का लफ्ज़ कहते हैं जमहूरियत, दैट्स मीन द गवर्नमेंट ऑफ जमहूर, यानी कि अवाम की हुकूमत, जिसमें लोग अपनी मर्जी का अपने में से एक बंदा सिलेक्ट करते हैं टू रूल देम, तो ये एक्चुअली डेमोक्रेसी होती है। लोगों में से ही लोगों की हुकूमत लोगों के लिए, सिंपल टर्म्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो। डेमोक्रेसी होती है कि बेसिकली जो अवाम की जो राय होती है ना, जो आम चाहती है कि जिस बंदे को वो सपोर्ट करती है और वो कहते हैं कि ये हमारे मामलात को इंटरनेशनल सतह पर नेशनल सतह पर जो है ना वो डील करे, तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। आपकी नज़र में किसकी डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो इंडिया, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कंट्रोल हुकूमत खुद कर रही है, यहाँ पे हम खुद नहीं कर रहे, ठीक है। अब वहाँ पे मोदी को देखें, बात की जाए तो वो नेक्स्ट लेवल पे चलती है, क्योंकि मोदी को देखें वहाँ पे वो लोगों को चेंज करता है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को लोग चेंज करते हैं। पाकिस्तान जिसमें हम लोग रह रहे हैं और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, इन दोनों में से आपको क्या लगता है किसकी ज़्यादा बेस्ट और अच्छी डेमोक्रेसी है? ऑब्वियसली इंडिया। वो क्यों? इंडिया देखा जाए ना तो इंडिया की जो अवाम है, ठीक है, इंडिया की पब्लिक जो है वो बहुत टैलेंटेड है और उनकी गवर्नमेंट भी उन्हें बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है। एजुकेशन उनकी बहुत हाई है, ठीक है, देखा जाए तो टैलेंट में वो डांस में भी बहुत आगे हैं, सिंगिंग में बहुत आगे हैं, एजुकेशन में बहुत आगे हैं, तो इस तरह से वो खुद को ना बहुत डिवेलप कर रहे हैं। और देखा जाए पाकिस्तान का तो आप देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है और क्या चल रहा है मुल्क में ना, तो मुल्क के हालात जो हैं वो इस टाइम टोटली बहुत खराब हैं। हम जितना उनके बारे में बोलें कम है। किसी ज़्यादा बेटर है कि इंडिया? डेफिनेटली इंडिया की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान जो हमारे अंदर जो एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वहाँ से कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। मैं कहूँगा कोलैप्स नहीं था, क्योंकि आफ्टर द कायदे आज़म जो हमारे पास लीडरशिप आई वो पॉलिटिकली इलेक्टेड एलीट नहीं थे, वो हमारे थे ब्यूरोक्रेट, दैट्स मीन हमारी ब्यूरोक्रेसी ही इसको रूल करती है, और ब्यूरोक्रेसी ही इसको जो मेन प्रॉब्लम है वो वहाँ की थी, जो इंडियन एट द टाइम ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट वो ब्यूरोक्रेट यहाँ पर रूल कर रहे थे, दैट्स मीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फुल थी और पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन थे वो हमारे पास थे ही नहीं, तो ये मेन प्रॉब्लम है। जब वहाँ पर देखें तो इंडिया के अंदर एक प्रॉपर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उनकी जो कांग्रेस का सिस्टम चल रहा था आगे गांधी के बाद फिर नेहरू, मतलब ये काफ़ी वहाँ पे जो आए ना उन्होंने काफ़ी उसको स्टेबल किया, दैट्स वाई उनकी जो डेमोक्रेसी आज तक पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। बात सिर्फ ये आती है, बाकी आप बेहतर जानते हैं और लोग समझने वाले ही बेहतर हैं, ठीक है। क्या वजूहत हो सकती हैं हमारे पाकिस्तान मुल्क में डेमोक्रेसी क्यों इतनी पीछे है और इंडिया इतना आगे क्यों है डेमोक्रेसी को लेके? तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है, ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, हमारे यहाँ पे ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो है डेमोक्रेसी के नाम से हम खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे बादशाहत है सारी, आपको पता है बेसिकली, तो सारा सीन यही है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी बादशाहत से निकलेंगे तो हम कोई और काम करेंगे, ठीक है। अब वो देखें मोदी है और 10 साल से लगातार, अभी भी 10 साल 8 साल हो गए उसको लगातार चल रहा है वो, ठीक है, 2 साल से इलेक्ट हो रहा है वो, तो उसने हमारा आईटी का भी उसने सारा काम किया है, ठीक है, और एजुकेशन का भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। वहाँ लोग लड़ रहे हैं कि भाई हम काम करेंगे हमें वोटिंग दें, यहाँ कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे और हम खाएंगे, ये चीज़ है, ये फ़र्क है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ दो ममालिक की बात करता हूँ, पाकिस्तान या और इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क, आपको क्या लगता है हु इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी, पाकिस्तान या इंडिया? आई थिंक पाकिस्तान हैज़ बेस्ट बेटर डेमोक्रेसी दैन इंडिया, बिकॉज पाकिस्तानी पीपल सपोर्ट डेमोक्रेट्स while Indian people support dictatorships, okay, so the democracy basically is the point for the people to be delivered on international stage, but Indian want to have aggressive democracy, that is what we call dictatorship. नहीं, पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना वो चाहती है कि वो बढ़े आगे, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रोबर्स हैं, देख लें आजकल आप जो हमारी गवर्नमेंट है,
इमरान खान ने बहुत स्कीम्स चलाई थी और उसके होते हुए इमरान खान के होते हुए ना बहुत चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, काफ़ी सारे स्कीम्स पर काम हो रहे थे, बट जैसे ही उसको उतारा गया है और ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आ गए हैं, आप देख सकते हैं खुद कि वो बाहर जाकर क्या करते हैं, वो अपनी कंट्री के लिए मांगते हैं और वो कहते हैं कि वी आर बेगर्स, हम बेगर्स हैं, अगर हम ही बेगर्स हैं तो फिर हम अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे। क्या वजूहत हो सकती हैं पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क आज 2022 चल पड़ा है और 2023 होने वाला है, क्यों नहीं पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बन पा रहा? और इंडिया की बात करूँ, इंडिया एक डेमोक्रेसी को लेकर अपने मुल्क को उसने तरक्की याफ्ता मुल्क बना लिया, क्या वजूहत हो सकते हैं, पाकिस्तानी चीज़ों पर क्यों नहीं काम करता? देखें सर, इसमें दो चीज़ें होती हैं, सिस्टम जो चलाने वाले होते हैं ना उनमें सबसे पहली बात जो ज़रूरी है उनका फाजिल इलम होना, आप मेरी उर्दू सही तरह समझ रहे हैं, ताकि आवाम को फाजिल इलम मीन अच्छा उनका इलम होना। दूसरी जो चीज़ है वो उनकी नीयत का ठीक होना। आप अगर इन दोनों चीज़ों को उठाएं, मैं ये कहता होता हूँ कि एक जाहिल इंसान एक फासिद इलम वाले से अच्छा है, क्योंकि फासिद इलम वाला बेड़ा गर्क करता है, जाहिल वाला तो नुकसान कर देता है ऐसे, लेकिन फासिद वाला बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और जहाँ पे नीयत की ख़राबी आ जाए वहाँ पे हो ही नहीं सकता कभी सिस्टम ठीक हो। तो हमारे ये जो मेन प्रॉब्लम, पहली बात हमारा इलम ही ठीक नहीं था, दूसरी बात हमारी नीयत में ही शुरू से ख़राबी आ रही है, क्योंकि वही लोग हमें आप इस चीज़ को ये ना देखें कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और 2022 तक इसको नहीं हुआ। पाकिस्तान को अगर आप हिस्ट्री उठाए ना पीला, एट द टाइम ऑफ 1620 उसके ऊपर एक ब्रिटेन आई थिंक या इंग्लिश मैन वो बुक लिखता है, आप उस टाइम की हिस्ट्री उठाएं आज की उठाएं, वही चीज़ वही कंसेप्ट चल रहा है, अवाम में चेंजिंग नहीं है। मैं आपका शायद आगे क्वेश्चन क्या आएगा, मैं आपको आज ही एक चीज़ बताता हूँ, जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होना, और सिस्टम जब ठीक होगा तो अवाम ट्रेंड होगी और जब अवाम ट्रेंड होगी तो फिर मुल्क ऑटोमेटिकली वो उस राह पे जाएगा जिसमें उसे होना चाहिए। क्योंकि हम रिसोर्सेज देखें तो पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं, अब 1962 की बात देख लें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वर्ल्ड के अंदर बेस्ट मानी जाती थी, इवन जर्मनी जैसे कंट्रीज़ भी पाकिस्तान से पूछते थे कि भाई हम कैसे डेवलप्ड करें, आप लोग क्यों ऐसे आगे हो, क्या वजह थी उस वक्त सिस्टम स्ट्रांग था। कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर आज और कल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतरी थी, इस वक्त पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। उसके बाद आप देख लें या के टाइम आया, हमारे उधर हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान है जो बांग्लादेश है, ये हमसे पार्टीशन इसकी हो गई और हम उस वक्त ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट पे टाइम वो ईस्ट पाकिस्तान का लिखें या वेस्ट पाकिस्तान का लिखें, उस वक्त की हमारी जो इलीट तबका है वो ये कर रहा था, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लें कैसे तरक्की हो सकती है। अरब कंट्रीज़ हैं, उनका इस पर डिपेंड करता है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, आप जितनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी ना तो यानी कि हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ और वो जो है ना उनके जो एजुकेशन का मेयार है ना स्टैंडर्ड्स का वो अच्छा हो, उसके बाद आपका साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छा हो, तो साफ ज़रा है जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, अगर पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा है उसको तो ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, हमारी तो पॉपुलेशन ही 24 से 25 करोड़ है, वहाँ की आबादी देखे तो कितनी ज़्यादा है, क्यों नहीं हम लोग इतनी कम आबादी पे इतना ज़्यादा अपना कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी हुकूमत क्यों इन चीज़ों पे नाकाम है? अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि जैसे आपने कहा कि मुश्किलात होती हैं, वाकई मुश्किलात पैदा होती है वो जो है ना, बट एज अ कलेक्टिव नेशन जैसे है ना, जैसे आप चाइना देख लें, आप वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडिया आप अमेरिका देख लें ठीक है, अमेरिका की भी आबादी जो है ना वो ज़्यादा है, वो भी हाईली पॉपुलेटेड है, लेकिन उनका रीज़न ये है कि वो सबसे आगे हैं, उनकी जो लिटरेसी रेट है ना वो ज़्यादा है, हालांकि पाकिस्तान में आप लिटरेसी रेट देखें 50-60% आपके लिटरेसी रेट है, ये भी एक रीज़न है पाकिस्तान जो ना प्रोग्रेस नहीं कर रहा, ये भी एक रीज़न है। आपकी नज़र में कैसे ठीक हो सकता है हमारे पाकिस्तान की, आपके मौजूदा दौर में कैसे ठीक हो सकती है? 1962 की आपने बात की, नो डाउट हमारी इकनॉमी हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी थी, अब के फ्यूचर में हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? क्योंकि आवाम को फिक्र ही नहीं है, आपको पता है आपकी 90% आवाम विजल मुलायम से भागती है, क्या कंप्रोमाइज़ कर जाती है, शिकायत ही नहीं लगाती, खौफ खाती है, उसमें आवाम की भी गलती नहीं, आवाम को इतना ज़्यादा खौफ ज़्यादा कर दिया गया कि इवन आपका एक कांस्टेबल भी
उसको मतलब इतना खुद वर्दी के अंदर वो लाइक खुद को समथिंग या कुछ ऐसा समझ रहा होता है, अवाम उसे खौफ खा जाती है। इस खौफ के डर से दो चीज़ें होती है अवाम, क्योंकि अवाम ही ठीक कर सकती है। आपने पहले बात की थी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी मीन जमहूर, जमहूर मीन लोग, तो लोग ही एक मुआशरे के अंदर अफराद ही अपने हालात ठीक कर सकते हैं और अफराद बनते हैं फ़र्द से। जब एक एक फ़र्द को इस फिक्र पे लाकर खड़ा कर दिया जाएगा कि भाई तू टैक्स पे कर रहा है, तेरे खर्चे से ये मुल्क चल रहा है, तेरी तुझ में से ही वो लोग हुकूमत कर रहे हैं, वो कोई वहाँ से दूर से नहीं आए। क्यों, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता, जब एक हम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हमारी तो ये हिस्ट्री है, तीन बर्र आज़म के ऊपर हुकूमत करने वाले को भी अवाम कहती थी कि जब तक इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है, दैट्स मीन आप अल्लाह के कानून को लागू कर रहे हैं, तो हम आपके मानने वाले हैं। अगर आपने कानून से ही बाहर कदम रखा तो फिर आपका गिरबान होगा, हमारा हाथ होगा। क्यों, अवाम में फिक्र थी, अवाम तो इस अवाम को ठीक होना होगा, और अवाम ठीक होती है एजुकेशन से, और एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमें इस टाइम ज़रूरी है वो हमारा एक गुलामाना एजुकेशन सिस्टम है। आप यकीन कीजिए, हमें जस्ट टर्म्स पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ टर्म्स, आई एम सेइंग टर्म्स, यानी कि आपको इंग्लिश एक स्टैंडर्ड बना के आपके सामने पेश कर दिया गया, आपको टर्म से मुतारफ कराया जा रहा है, हमारी अखलाकियात, हमारी तरबियत सारी वो फासद हो चुकी है, वो दूर जा रही है, तो अवाम कैसे तरक्की करेगी। मैं कहाँ पर आपको लेकर जाऊँ, आपकी 70 साल से देखें क्या कर रही है अवाम को फिक्र। पुलिस का काम होता है कि मुल्क की ये लोगों की हिफाजत करना, 70 साल से वो धरनों और इन चीज़ों को रोकने में लगी है। जुडिशरी का क्या काम होता है, मजलूमों को इंसाफ दिलाना, 70 साल से वो पॉलिटिकल केसेस को डील कर रही है, कभी कभी मुल्वे तमीज़ुद्दीन केस आ रहा है, कभी उन जजेस के अपने केस आ रहे हैं, कभी क्या केसेस आ रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट्स के अंदर, तो वो किन में उनमें डील कर रही है। ब्यूरोक्रेसी का काम मुल्क को बचाना होता है, 70 साल से ब्यूरोक्रेसी हुकूमतों को बचाने और चेंज करने में लगी हुई है, कहाँ पे किस इदारे में क्यों कर रही है ऐसा, क्यों वो कर रही है, क्योंकि अवाम को फिक्र नहीं है। अवाम और इसके ऊपर भी मेहनत की गई, अवाम को महरूम किया गया कि अवाम बोले ही ना। अवाम, अच्छा मैं आपको आज लास्ट एक मैं चीज़ कहता हूँ, जो आपने बार बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट पहुँचाना, हमें एक चीज़ कहा जाती है कि जी आपने मजहब और पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करनी, इन दो चीज़ों को काट दें, कोई सोसाइटी अगर कोई मुआशरा चल सकता है तो मुझे कोई दुनिया की एक एग्जांपल दे दें जिसमें से पॉलिटिक्स और मजहब को काट दो और वो मुआशरा चल सकते, मुआशरा बन ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स को गलत डिफाइन किया गया, दैट्स मीन आपने जी वोट देने हैं या आपने सियासत में खड़े होने, ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स मीन आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है थ्रू वोट या आपके टैक्सेस के ऊपर, जो एक ब्यूरोक्रेट एक सिलेक्ट हो के आ रहा है ऑफिशियल, उसको आपने जो दिया वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रहा है नहीं कर रहा, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर। फिर मजहब के अंदर, मजहब हमें हमें एक चीज़ दिखाई गई जी, मजहब नमाज रोज़ा ज़कात, देखिए अल्लाह का जिक्र, अल्लाह बि जिक्र अल्लाह तत्मईनुल कुलूब, अल्लाह ने कहा मेरे जिक्र के अलावा तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अब मैं इस एक एग्जाम्पल को डिफ़ाइन करूँ, जब मैं लोगों का जिक्र करता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होगी, यार फलाने ने यूँ किया फलाने ने, जब मैं अल्लाह का जिक्र करूँगा तो इस तकलीफ़ से दूर हो जाऊँगा, मेरे दिल को सुकून मिला ना। तो इसी वजह हर कानून, अल्लाह ने हर चीज़ को इतना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अंदाज़ में डिफ़ाइन किया है और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी को हमारे सामने पेश किया है, हमने उसको छोड़ के जी मज़हब के था ये कि मज़हब के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करनी, यानी कि आपने अपने मसाले के ऊपर बात नहीं करनी, मेन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें वो अच्छा, पॉलिटिक्स के अंदर आपने इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करनी, भाई आप जिसको सपोर्ट करते हो उसको अनदेना हो जाओ। अभी मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ, आपके जो भाषा डैम का, ये तरबेला डैम के ऊपर प्रोजेक्ट 4 लॉन्च हुआ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या हुआ है कि वो जो अब जर्मनी की कंपनी जो बना रही थी, उसने कहा कि इस जो ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इसकी डैम की जो मट्टी है उसको कम से कम 1 साल जो जितना उसने टाइम बताया उससे पहले आपने नहीं करना। चेयरमैन ने वज़ीर आज़म की खुशी के लिए उसको स्टार्ट करा दिया, 850 मिलियन का नुकसान एक ही दिन के अंदर पाकिस्तान का गया, कहाँ जाएगा। उसकी वजह से आगे चलकर 2.80 करोड़ का डेली आपकी बिजली का वापदा से आपको रिपोर्ट लें नुकसान हो रहा है, मेरे पैसे से जा रहा है, मुझे मेरे मुल्क का वो जा रहा है ना, मुझे इसको उठाना पड़ेगा, लोड शेडिंग मेरे पास है, कहाँ पे खड़ा। सर अगर बात करूँ तो इंडिया क्यों इन चीज़ों में आगे है, वो अपनी अवाम और अवाम भी अपनी हुकूमत का सोचती है, हमारी अवाम आपने कहा वाकई नहीं सोचती, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट हमारी अवाम अब आके उन्होंने शऊर पैदा हुआ है, वो सोचना चाह रही है, पर हमारे जो हुकूमत है, हमारे जो बैठे सरबरा बैठे, हमें सोचने नहीं देते। इंडिया क्यों इन चीज़ों में आगे है? देखिए मैं आपको पहले बात कर रहा हूँ कि सोचने नहीं देते, फिर तो आप कह दें कि हमें सोचने नहीं देते, ऐसे हम मरते जाएँ मरते जाएँ मरते जाएँ, ऐट दी एंड क्या होगा। मैं आपको पेज में जाना चाहता हूँ, एक मुझे उसका हिस्टोरियन का नाम बोला हुआ, उसने एक कानून बनाया था, कानून नहीं उसने एक ट्रेजेडी बनाई थी वार के अंदर कि आपने सिर्फ ज़ख्मी करना है और मारना नहीं है दुश्मन को,
क्या जब वो अपने ज़ख्मियों को उठाने में मसरूफ़ होंगे हम उनके मोर्चे संभाल लेंगे। आज मेरे मुल्क और मेरी आवाम को ज़ख्मी किया जा रहा है, बाहर के अंदर के सब ज़ख्मी इसको कर रहे हैं और कुछ उठाने में मसरूफ हैं, कुछ उसको। डेमोक्रेसी क्यों नहीं अपनी कंट्रोल कर पा रहे? इंडिया अपनी डेमोक्रेसी क्यों इतनी ज़्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ है? ईच एंड एवरीथिंग में अगर देखा है, सेक्टर वाइज में बात करूं तो एजुकेशन, आईटी, उनकी डेमोक्रेसी अपने इलेक्ट करते हुए एक आदमी को लाते भी हैं तो वो उस अपने मुल्क को तरक्की में लेके जाता है। पाकिस्तान क्यों इन चीज़ों से पीछे है? बस बात घूम फिर के वहीं गवर्नमेंट पे आ रही है। जब तक हमारी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? गवर्नमेंट हम खुद तो नहीं कर सकते हैं ना। अब देखें, यहाँ पर लेक ऑफ एजुकेशन है, जितने भी लोग हैं वो बेचारे गुर्बत में मर रहे हैं, ठीक है। तो गुर्बत यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पॉवर्टी ख़त्म करे। अगर पॉवर्टी ख़त्म होगी तभी हमारा मुल्क बढ़ सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, इंडिया की इतनी डेमोक्रेसी अच्छी होने के बावजूद तरक्की याफ्ता मुल्क है, पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए? ओब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सीखना चाहिए और उनको पाकिस्तान पे थोड़ा रहम करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा भी एक मुल्क है और हमारा मुल्क इस वक्त बहुत बहुत जा रहा है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। मुझे खुद अपनी ना, मतलब मैं पेट्रियोटिक हूँ बहुत ज़्यादा, मुल्क मतलब मुझे होता है कि मैं जिस मुल्क में रह रही हूँ उस मुल्क को डेवलप होता हुआ देखूँ। बट क्योंकि जब हम कहेंगे हम काम करेंगे तब हमारा काम चलेगा, अदरवाइज हम कहेंगे खाएँगे तो फिर ऐसे ही है। क्या वजूहत हो सकती है हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते? इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन गई, ईच एंड एवरी थिंग उनका अगर इकनॉमिक के लिहाज से देखा जाए इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन गया है, तो हम इकनॉमी के लिहाज से भी देखें हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए हैं। हम दूसरे ममालिक से मदद के लिए जाते हैं बट हमें ठुकराव मिल जाते हैं, हम इस काबिल क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि आपने देखी ना, हमारी तो पहली बात है पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। आप इमिग्रेशन में जाएँ तो पहले पूछते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट देख जाते, ओके ठीक है फाइन, आप साइड पर आते हैं, लाइन से बाहर आते हैं, आपके लिए स्पेशल लाइन है, ठीक है। पहला तो दुखी है, ठीक है। और सेकेंड थिंग इसके भाई, आज जब जाते हैं आप कहीं भी चले जाएँ आपको वो इज्जत नहीं मिलती, ठीक है। लोग आपको चोर कहते हैं, आप हमारे हुक्मरान देते हैं, नवाज शरीफ बता देख लें, बाहर जाते हैं लोग उनको चोर कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोर है ना, ठीक है। आप नहीं होंगे तो वो क्यों कहेंगे? मोदी है, वो लोग जाते हैं कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई आया हमारे लिए, उसने काम किया, हम जा रहे हैं। लेकिन हम अगर कंपेरिजन करेंगे तो हमारा मुल्क व्यापारिक है, ये वो अल्लाह है जो चला रहा है, अदरवाइज हमारा वो कोई नहीं सीन के भाई जो हम ये इसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि हम लोग अपनी डेमोक्रेसी पर इतना ज़्यादा काम करके अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं? क्या वजू, क्या कर सकते हैं हम लोग? यही है कि बादशाही निज़ाम जो है वो ख़त्म करेंगे तो हमारा डेमोक्रेसी निज़ाम आएगा, अगर वो आएगा तो हम चलेंगे। क्योंकि वो जो आवाज़ उठाता है, जो काम करना शुरू करता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप अगर स्टार्ट करेंगे वो कहते हैं भुट्टो से, भुट्टो के साथ क्या हुआ था, आया स्टार्ट किया काम ख़त्म। अब आप रिसेंटली बात कर लें, वो ये चीज़ चलती रह रही है, आपको भी पता है और सबको व्यूवर्स को भी पता है, ये सब चीज़ चलती आ रही है, ये सब कुछ है। इन चीज़ों में आप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में किसको दोष देंगे? क्यों कसूरवार है जो गवर्नमेंट है, कौन कसूरवार है जो हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को इतना पीछे करता जा रहा है? ये आपके के हमारा जो है ना, पहली बात तो तरबियत, तो दूसरा हमारा जो है ना वो हमारा माइंड ही नहीं है कि भाई हम कुछ करें। हमारा माइंड है कि भाई हमारी जेब गर्म हो, ठीक है, और इतनी गर्म हो कि उसमें से आग निकले और हमें वो खा दे, ठीक है। सिर्फ ये सीन है कि जब हम देखेंगे ना कि भाई हमारी आग कम हो रही है, फिर लोगों के लिए कुछ करें। जब आपको पता है ना, जब मिडिल क्लास लोग आप ऊपर आते हैं ना तो बाकी को सोचते हैं, जब एक पेट बड़ा हुआ जिसका वो कह रहा है कि भाई आ रहा है, आने दो, आने दो, आने दो, ना। ये सिर्फ सिंपल सी चीज़ है।